कभी सर्द कभी गर्म सा एहसास देती है। वो दिखती नहीं मगर महसूस होती है। रेत के टीले से सजा रेगिस्तान हो या पहाड़ों की वादियाँ, या फिर हो लहरों से सराबोर समुद्र का किनारा, इसके होने का एहसास हर जगह मौजूद है और वो है हवा। लेकिन सिर्फ हवा ही नहीं, जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो रोजाना नहीं दिखती लेकिन उसकी अहमियत हवा जितनी ही है। हम बात कर रहे हैं समुद्री जहाज की। रसोई में खाना पकाते वक्त इस बात का एहसास होना मुश्किल है कि ये कुकिंग गैस भी आप तक जहाज के माध्यम से पहुंचा है। और कुकिंग गैस ही क्यों, जिस सेरेमिक कप में आप चाय पी रहे हैं या फिर जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आप सभी यह वीडियो देख रहे हैं, और इन मरीजों को बचाने के लिए जो दवाएं दी जा रही हैं, ये सब सामान जहाजों से पोर्ट पर लाया जाता है और फिर आप तक इसे सप्लाई किया जाता है। भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। यहाँ से सामान सिर्फ लाया ही नहीं जाता बल्कि भेजा भी जाता है। इन पोर्ट्स की अलग दुनिया होती है। व्यावसायिक महत्व के साथ साथ पोर्ट प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हुए होते हैं। मैरीटाइम सेक्टर में लगातार वृद्धि हो रही है। 12 मेजर पोर्ट्स और अन्य नॉन मेजर पोर्ट्स के साथ 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन और विशाल नेटवर्क के साथ मैरीटाइम सेक्टर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर आगे बढ़ रहा है। मैरीटाइम सेक्टर देश के समग्र व्यापार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 95% व्यापार मात्रा और 65% व्यापार मूल्य का समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। ये समंदर की लहरें और दूर समंदर के बीच खड़ा जहाज, वो अकेला खड़ा लाइट हाउस या पोर्ट पर काम करते हुए लोग, हो सकता है आप उससे परिचित ना हो लेकिन कहीं ना कहीं यह सब आपके जीवन से जुड़े हुए हैं।